नमस्कार तो कैसे आप लोग उम्मीद करूंगा सभी लोग अच्छे होंगे तो इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में जो, जो सेकंड टी ट्वेंटी मुकाबला होने वाला इसमें फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे एक करोड़ वाली ग्रैंडिक को टारगेट करते हुए टॉप फाइव ग्रांडिक की टीमें बनाएंगे हर एक टीम के पीछे फ्रेंड्स आपको एक अलग सा लॉजिक अलग सा कैलकुलेशन देखने को मिलेगा तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट से जो वॉच करना वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लास्ट में जाकर एक लाइक आप लोग वीडियो को जरूर से कर देना वीडियो फ्रेंड्स आप लोग के लिए दो टाइप के गीवे भी यहाँ पे अवेलेबल है पहला गीवे तो उन पांच लोगों को मिल चुका है जिन्होंने सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और कमेंट किया होगा तो आप लोग अगर फ्रेंड्स ये पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना जिससे जैसे हमारा वीडियो आए ना सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे ठीक है दूसरा ग्यूए फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं जो कि पूरा का पूरा होगा पच्चीस हजार रुपए का इस ग्यूवे के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको बस वीडियो के बीच में बता दूंगा तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना छोटा सा वीडियो होगा दस से बारह मिनट का लेकिन आप लोगों को फ्रेंड्स ग्रैंडिक का वो मेटीरियल यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा जो पूरे यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं कराता ठीक है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पियर प्रोडिक्शन की कि यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन का एक परफेक्ट पियर इस वाले मुकाबले में कौन सा हो सकता

प्लेयर होने वाला दूसरा रहेगा ट्रंप खैस ये वाला तो आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा तीसरा प्रोडिक्शन हमारा है प्लेयर तो तीन फ्रेंड्स के यहां पे देखने को मिलेंगे और खुद देखोगे कि इन पांचों में से फ्रेंड्स कोई ना कोई टीम आपको हर बार यहां पर ग्रैंडिंग में टॉप टेन में आती हुई आपको दिख जाएगी ठीक है इस चीज की गारंटी आप लोग जाके चेक करना लास्ट में से कौन सा टीम का कॉम्बिनेशन यहाँ पे इस वाले जो ग्रैंडिंग है इसमें मैच करता है ठीक है फ्रेंड्स हो सकता है प्लेयर एक दो चेंजेस हो लेकिन आप लोग को हर बार जो कॉम्बिनेशन है पांच टीमें जो है वो यहां पर डेफिनेटली आप लोग को ग्रैंड में टॉप फाइव में या फिर टॉप टेन में आपको परफॉर्म करती है आपको दिख जाएगी ठीक है अब चलते फ्रेंड्स हम लोग यहां पर सिंपली इस मैच की तरफ सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें ग्रैंडिक का जो हमारा मेन फॉर्मुला है जैसे हम लोग कहते हैं ग्रैंडिक का मूल मंत्र वो होता है फ्रेंड्स इमेजिनेशन जितना अच्छा आप लोग मैच को इमेजिन कर सकते हो ना उतनी अच्छी आप लोग फ्रेंड्स इस वाले मुकाबले की ग्रैंडिक की टीमें आप लोग बना सकते हो ठीक है ग्रैंडिक जो डिपेंड करते फ्रेंड्स ओवरऑल इमेजिनेशन भी करती कोई स्टेट्स काम नहीं करते ग्रैंडिक में थोड़ा बहुत फ्रेंड्स यहां पर मतलब हमें इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि आपको मैंने पहले वाले मुकाबले में एक चीज कही थी कि पे जो ये वाला मुकाबला है फ्रेंड्स यहां पे क्या रहेगा ड्यू फैक्टर रहेगा ठीक है वो चीज आपको देखने को मिलेगी क्योंकि आपको पता जो इवनिंग के मुकाबले होते हैं वहां फ्रेंड्स ड्यू रहती है और यहां पर ड्यू का फायदा क्या होता है चेजिंग में फ्रेंड्स बहुत ज्यादा ईजी हो जाता मैच ठीक है और आप लोगों ने लास्ट के मुकाबले में वही चीज देखी कि इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से चेज किया था और फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने जो टीम कॉम्बिनेशन बनाया था उसमें आपको पता हमारी स्मॉल लीग की टीम में मैंने मार्क चंपे को लिया था रविचंद्र अश्विन को लिया था जिसकी वजह से फ्रेंड्स हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से स्मॉल लीग को एक तरफा विन किया ठीक है ग्रैंड कॉम्बिनेशन भी आपको याद होगा फ्रेंड्स जहां पर मैंने मार्क चपमेन को कैप्टन रखा था और वाइस कैप्टन मैंने किसको रखा था सूर्य कुमार यादव को पहले वाले मुकाबले में रखा था ठीक है अगर आप लोग देखना चाहो उस कॉम्बिनेशन को फ्रेंड्स टेलीग्राम पर जाकर आप लोग देख सकते हो जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पर रिसेंटली जो हम लोगों ने फ्रेंड्स मुकाबले खेले उसको आप लोग जाके चेक कर सकते हो कि वही कॉम्बिनेशन मैंने आपके साथ यहाँ पे प्रोवाइड कराया है कि दिख रहा इस मॉल लीग का कुछ इस तरीका का कॉम्बिनेशन था जहां पर हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से विन किया और ग्रैंडिक के फ्रेंड जिन कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ आप लोग देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड कराया था चंपमन को मैंने कैप्टन रखा था कैप्टन फ्रेंड्स मैंने यहां किसको रखा था सूर्य कुमार यादव को ठीक है तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने इस टीम में एक जैसे बॉलर हमारे मिस थे वो अगर आप लोगों ने चेंज किया होंगे तो डेफिनेटली आप लोगों ने में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया होगा देखिए यहां पर मैं जब भी टीम में डालता हूं फाइव बेस टीम आपको हमेशा लिख के देता हूं क्योंकि फ्रेंड्स ये टीमें जो रहती है वो बेस को रिप्रेजेंट करती ग्रैंडिंग ठीक है चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स आप सबसे पहले ग्यूवे की क्योंकि आपको पता है कि फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा मतलब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पहले ग्यूवे की हम लोग बात कर लेते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स ये वाला ग्यूवे आपको मिलेगा एप्लीकेशन के ऊपर पच्चीस हज़ार का आपको सिंपली इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वाला मुकाबला ओपन कर लेना और यहां पे आप लोग आओगे तो यहां पे आपको गीवे लिखा हुआ दिख जाएगा और यहां पे जो दो रुपए वाली मतलब एंट्री से, से क्रॉस करके यहाँ पे देख सकते हो तो जीरो एंट्री फीस आपको पढ़ने वाली है ठीक है तो सिंपली फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है इस ऐप को डाउनलोड करना नीचे आपको वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ इस ऐप का लिंक मिल जाएगा वहां से जाके आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो वहां से डाउनलोड करते ही आपको हंड्रेड का बोनस भी मिलने वाला है ठीक है और फ्रेंड्स यहाँ पर फ्री वाला जो पच्चीस हजार रुपये का गीवे है इसमें भी आप लोग यहां पे इजिली पार्टिसिपेट करके फर्स्ट प्राइज भी देखिए फाइव थाउजेंड रुपी है तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट प्राइज आपको पांच या फिर सौ रुपये मिल रेड रुपीज आप फ्री में यहाँ पे विन कर सकते हो ठीक है ये चीज ऑनस्टली है बाकी आप लोग देखिए आपको हंड्रेड बोनस मिलेगा ना फ्रेंड्स आप लोग फोर्टी यहाँ पे ये यह वाली जो ग्रैंडिंग है ना इसमें आप लोग यहाँ पे मतलब यूज कर सकते हो ठीक है बाकी आप लोग यहां पे देखिए फ्रेंड्स यहां पे जो फोर नाइन फाइव वाली ग्रैंड है ना इसमें आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री में एंट्री पा सकते हो कैसे पा सकते हो आपको यह वाला अमाउंट है डिपॉजिट करना ठीक है आप लोग ट्वेंटी टाइम तक यहाँ पर डिपॉजिट करोगे तो ट्वेंटी बार आपको यहां पे ये चार सौ पिछाने वाले लीगे आपको फ्री में मिलेगी ठीक है थोड़ा सा बजट कम है आपका तो आप लोग ये वाला जो अमाउंट है ना वन थाउजेंड रुपीजी इससे आप लोग डिपॉजिट करोगे तो आपको नाइनटी नाइन रुपीज वाली जो एंट्री फीस है ये आपको फ्री में मिलेगी ये भी आपको ट्वेंटी टाइम मिलेगी ठीक है तो इस टाइप के ऑफर फ्रेंड्स आपको सिर्फ इसी एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिलेंगे ठीक है फर्स्ट डिपॉजिट आप लोग करोगे फ्रेंड्स आपको हंड्रेड कैश बोनस यहाँ पे मिलने वाला जो कि मिलेगा आपको पांच हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए तक ठीक है और फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देखिए और भी इनके कमाल के फीचर अवेलेबल है तो आप लोग आके पढ़ सकते हो एक बार अगर आप लोग किसी भी ऐप से कंपेयर करके देखोगे तो डेफिनेटली ये एप्लीकेशन आपको बहुत ज्यादा ऊपर देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू तो अदर एप्लीकेशन ठीक है सिंगल प्लेयर फेंटेसी भी अवेलेबल तो आप लोग यहाँ पर सिर्फ एक प्लेयर के ऊपर भी आप लोग यहाँ पे प्रोडिक्शन लगा सकते हो आफ्टर टॉस आपको यहाँ लाइनअप आ जाएगी जिसमें आपको पांच प्लेयर दिए जाएंगे पांच में से आपको सिंपली एक प्लेयर को चूज करना अगर आप लोगों ने जिस प्लेयर को चूज किया उसने अच्छा परफॉर्म किया तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से विन करने वाले हो ठीक है तो जरूर से यार सभी लोग ना इस एप्लीकेशन

आपको मैच को इमेजिन करना है जितना अच्छा आप लोग मैच को इमेजिन कर सकते हो ना फ्रेंड्स उतनी अच्छी आप लोग ग्रैंडिक की टीम बना सकते हो मैच को क्या इमेजिन करना आपको रिजल्ट आपको मैच का इमेजिन करना तो रिजल्ट क्या सकता है फ्रेंड्स पे या तो यहां पे इंडिया की टीम विन करेगी जो तो जो कि हम लोग चाहते ही चाहते हैं बाकी दूसरा रिजल्ट यहाँ पे जो आ सकता है है वो कि यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम विन करेगी जो कि हम लोग नहीं चाहते लेकिन हमको एज ए फेंटेसी प्लेयर यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि ये दो रिजल्ट यहाँ पे आ सकते हैं भाई या तो इंडिया विन करेगी या तो यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम विन करेगी ठीक है तो फ्रेंड्स अगर इंडिया विन करेगी तो कैसे विन करेगी इंडिया की पहले बैटिंग आई है या इंडिया पहले फ्रेंड्स से पे फील्डिंग कर रहा है ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला तो ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपको करना है, ठीक है अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है इंडिया के विन करने के चांस है तो इंडिया के ओपनर को आपको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना है ठीक है मैक्सिमम टाइम अगर इंडिया चेज कर रही है और इंडिया के विन करने के चांस है तो इंडिया के जो बॉलर है ना वो पहले बॉलिंग कराएंगे आपको पता है हो सकता है कि आप न्यूजीलैंड की टीम को अंडर हंड्रेड या फिर अंडर वन इस तरीके से ऑल आउट करते या फिर मैक्सिमम विकेट इनके गिर जाए तो इस टीम पर इस टाइम पर फ्रेंड जो ड्रीम टीम है ना कैप्टन वाइस कैप्टन बनने के चांस रहेंगे वो किसके रहेंगे वो फ्रेंड्स इंडिया के ओपनरों को तो रहेंगे नहीं क्योंकि फ्रेंड्स वो हो सकता है तीस तीस चालीस चालीस रन बनाए वहीं इंडिया के बॉलर तीन तीन विकेट निकालते तो बॉलरों के उस टाइम पर ना कैप्टन वाइस कैप्टन बनने के चांसेस हाई रहेंगे ठीक है तो दो कंडीशन ये आ जाती है फ्रेंड्स और ज्यादा तो डीप अगर आप लोग जाओगे कि इंडिया के एक बैट्समैन ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया और एक बॉलर ने बहुत अच्छे विकेट निकाल लिया ठीक है तो एक बॉलिंग प्लस एक बैटिंग वाला कॉम्बिनेशन भी आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा फ्रेंड्स कि जो विनिंग टीम रहती है ना वही उसी का जो बंदा है यानी कि बॉलर है वो ड्रीम टीम में कैप्टन बनता है और उसी का जो ओपनिंग बैट्समैन है फर्स्ट डाउन का अच्छा बैट्समैन है तो वो वाइस कैप्टन

वो यहाँ पर मैंने पिक करेगा ठीक है हो सकता है एक आध बॉलर यहाँ पर चेंज हो जाए जैसे यहाँ पर एक चांसेस मुझे लग रहा है कि सिराज की जगह पर यहाँ पर आवे खान आ सकते हैं ठीक है बाकी कोई खास चांसेस मुझे लग नहीं रहे एक और प्लेयर एक और बॉलर बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं बैटिंग ऑलराउंडर मैंने कहूँगा वेंकटेश अयर वो भी खेलने वाले फ्रेंड्स लास्ट में जो उनको मौका नहीं दिया गया था तो नहीं उनसे बॉलिंग कराई गई थी बैटिंग में आपको पता छठवें नंबर पर रहे तो फ्रेंड्स कोई मतलब नहीं होता उन्हें लेने का बहुत सारे लोग लेके भी गए थे लेकिन फ्रेंड्स कोई लॉजिक नहीं बनना था वेंकटेश अयर को लेने का मुझे पता था कि इनको बॉलिंग नहीं मिलेगी ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपली हम लोगों ने क्या चीज़ इमेजिन किया कि इंडिया के जो ओपनर है वो सारा का सारा स्कोर बनाएंगे और यहां पर जो है इंडिया के जो बॉलर है वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और यहां पे फ्रेंड्स मैंने क्या किया न्यूजीलैंड की तरफ से मैंने चार बैट्समैन पिक कर लिए क्योंकि हम लोग यहां पे एक्सपेक्ट नहीं करें कि न्यूजीलैंड का कोई बॉलर अच्छा परफॉर्म करेगा अगर आपको करना है ऐसा इंडिया की तरफ से और न्यूजीलैंड की तरफ से कि एक आध बॉलर अच्छा परफॉर्म कर सकता है जैसे लास्ट मैच में, में हम लोगों ने ट्रेंट बोल्ट को भी लिया था और ट्रेंट बोल्ट ही फ्रेंड्स अच्छे विकेट निकाले थे सिर्फ न्यूजीलैंड की तरफ से ठीक है बाकी कोई भी बॉलर आपको पता लॉकी को भी विकेट नहीं मिला था कोई खास किसी ने परफॉर्म नहीं किया था ठीक है तो सिंपली फ्रेंड्स आप लोग चाहो तो एक बॉलर को ट्राई कर सकते हो उस केस में आप लोग क्या करना कि यहां पर ना फ्रेंड्स इंडिया की तरफ से आप लोग किसी एक को मतलब ड्रॉप भी कर सकते हो और ले भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसको तो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करना या तो रोहित शर्मा पर ही, फोकस करना, या तो पे ही फोकस करना। और बैट्समैन वाला कॉम्बिनेशन कहा था कैप्टन वाइस कैप्टन का वो आप लोग को ट्राई करना बॉलर में आपको कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन रखना और बैट्समैन में आपको एक बंदे को कैप्टन या वाइस कैप्टन रखना एक बंदे को ड्रॉप करना या फिर आपको रिस्क लेना है ठीक है तो सिंपली होगी आपको एक बॉलर आप लोग न्यूजीलैंड की तरफ से पिक करके चल सकते अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपली टीम नंबर टू की तो यार एक चांस ये भी तो बनना कि न्यूजीलैंड इस मुकाबले को विन करेगा न्यूजीलैंड इस मुकाबले को विन करेगा तो मुझे जो हाईली इनकी तरफ से चलने के चांस लग रहे हैं एक पियर के वो है फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट कैप्टन का रोल प्लेगा बहुत अच्छे विकेट निकालेगा तभीस यहाँ पर न्यूजी एंड विन कर सकता और यहाँ पे इनकी तरफ से जो इनका ओपनिंग बैट्समैन है यहाँ पे मार्टिन गुप्टिल वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करके देगा ठीक है तो सिंपली ये वाला पीयर चलने के चांस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं एक और पीयर है इनका यार ठीक है यहाँ पे डी मिचल फ्रेंड्स लास्ट मैच में तो नहीं चले थे लेकिन अच्छे टैलेंटेड बैट्समैन आप लोगों ने टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में भी देखा कि बंदा बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है ठीक है इनको भी आप लोग यहाँ पे कप्ट ट्राई कर सकते हो और टीम साउथी और लॉकी फरुन ठीक है ये दोनों के दोनों भी इनका जो बॉलिंग प्लेयर है काफी जबरदस्त है लास्ट में फ्रेंड्स लॉकी को विकेट नहीं मिला लेकिन ऐसा नहीं है हर बार लॉकी फरगुनसन को विकेट नहीं मिलेगा बहुत जबरदस्त बॉलर है आप लोग इनकी बॉल देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे कि यह बंदा इजिली विकेट निकाल सकता है ठीक है अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे टीम नंबर थ्री की तो टीम नंबर थ्री में हम लोगों ने क्या चीज़ इमेजिन किया है टीम नंबर वन में तो हम लोगों ने किया कि इंडिया को विन करेगा टीम नंबर टू में हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज इमेजिन किया है कि यहाँ पे न्यूजीलैंड भी इस मुकाबले को विन कर सकता है तो न्यूजीलैंड के फेवर में हम लोगों ने एक कॉम्बिनेशन बना लिया ठीक है टीम नंबर थ्री में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे क्लोज फाइट को हम लोग इमेजिन करेंगे ठीक है सपोज इस मुकाबले को इंडिया ही विन करा इंडिया की तरफ रोहित शर्मा बहुत अच्छी इनिंग खेल रहे और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा टक्कर दे रही इंडिया को ठीक है अगर न्यूज़ीलैंड टक्कर देगी तो न्यूजीलैंड की तरफ से भी आपको प्लेयर लेने पड़ेंगे और वाइस कैप्टन तो आपको लेना ही पड़ेगा न्यूज़ीलैंड की तरफ से तो डी चल मुझे एक ऐसा यहाँ पे बैट्समैन लगा लास्ट में जो था आपको पता एक विकेट भी निकाला था तो यहां मतलब हम कहते हैं परफेक्ट वाइस कैप्टन उसकी रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ पे डी फुलफिल कर रहे हैं ठीक है तो सिंपली मैंने रोहित शर्मा को कैप्टन और यहां डी डिचल को मैंने वाइस कैप्टन कर लिया आप चाहो गुप्टिल को कर सकते हो टीम अच्छे खासे बैट्समैन अवेलेबल है बहुत अच्छी बैटिंग ये कर सकते हैं ठीक है चौथे नंबर पर बैटिंग करेंगे इनको भी आप लोग चाहो तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हो एक और चीज आप लोग कर सकते हो यहाँ पे वेंकटेश अयर की जगह ना सूर्य कुमार यादव को भी आप लोग ले सकते हो लेकिन मैं थोड़ा सा अयर पर फोकस करने की कोशिश की इस बार क्या पता अयर आप लोग यहाँ पे बन के निकला है तो, तो ट्रंप कार्ड प्रडिक्शन की बात करूंगा फ्रेंड्स उसको आप लोग एक टीम है ना को भी कैप्टन वाइस कैप्टन आप लोग ट्राई कर सकते हो ठीक है क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स न्यूजीलैंड कम करने की कोशिश करेगी उसके क्या होगा कि इंडिया थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना वेंकटेश अय्यर से बॉलिंग भी कराई जा सकती है और ये बंदा बैटिंग भी कर सकता है अच्छी खासी आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स के आर की तरफ से इस बंदे ने ओपन किया था और किस तरीके से फ्रेंड्स ये कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा था ठीक है तो बहुत जबरदस्त बैट्समैन है इसे अंडर रेट मत करना आप लोग लास्ट मैच के, के परफॉर्मेंस के बेस पे तो इंपॉर्टेंट होने वाला है ठीक है अभी हम चलेंगे टीम नंबर फोर की तरफ तो टीम नंबर फोर में, friends, ने फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीज़ इमेजिन किया कि मुकाबला जो है वो बैटिंग फ्रेंडली जाएगा अगर मुकाबला बैटिंग फ्रेंडली जाएगा यह कंडीशन हो तो सकती है ना फ्रेंड्स लास्ट मुकाबले में आपको पता चंप मैने भी अच्छा परफॉर्म किया था गुप्टिल ने भी ओवरऑल अच्छा परफॉर्म किया सूर्य कुमार ने अच्छा परफॉर्म किया रोहित शर्मा ने अच्छा परफॉर्म किया लोकेश राहुल थोड़ा सा मतलब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए लेकिन कर सकते हैं टीम सेपरेट फ्रेंड्स कर सकते हैं ठीक है दो हम लोगों ने थोड़ा सा ऐसे प्लेयर ले लिए जो कर सकते हैं अच्छा परफॉर्म लेकिन चार चार तो हम लोगों ने ऐसे प्लेये ले, ले जिन्होंने ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर लिया फिर डी मिचल भी आपको बता कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वेंकटेश वेंकटेशयर भी मैं बता चुका हूँ इनके बारे में भी तो ये सारे के सारे हम लोगों ने क्या कर करिए क्वालिटी बैट्समैन हम लोगों ने पिक कर लिया हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ इमेजिन किया कि मुकाबला अगर सपोज दैट बैटिंग फ्रेंडली जाता दोनों टीमों के पास अच्छे खासे बैट्समैन अवेलेबल है और खासकर जो टी फॉर्मेट है वो बैटिंग के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है आप लोगों को जैसे पता ही होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर सपोज देट ही सारी चीजें फेवर करती है और मुकाबला बैट्समैनों के पक्ष में चले जाता तो ये वाली जो हमारी टीम है ना, वो को हिट करके ग्रैंड कर दिया गुप्टिल रोहित शर्मा लोकेश राहुल यहां पे डी मिचल वेंकटेशयर थोड़ा सा रिस्की हो सकते लेकिन इन पांचों को आप लोग यहां पे ट्राई कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पे ठीक है आपको लग रहा है टीम कॉम्बिनेशन मेरा अच्छा लेकिन मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ा सा अलग रखने थे तो डेफिनेटली आप लोग अपनी तरफ से एक से दो चेंजेस कर सकते हो और यह चीज आपको करना भी चाहिए इससे आप लोगों का जो

आ सकते हैं तो यहां पर अच्छे खाते बॉलर अवेलेबल है तो दोनों टीमों के पास फ्रेंड्स अगर दोनों टीमों के बॉलर चलते मुकाबला बॉलरों के पक्ष में चले जाता है ठीक है है हो सकती ना कंडीशन चाहे कम चांसेस है लेकिन हो सकता है चीज हम लोगों ने आईपीएल में भी देखा था और हम लोगों ने बहुत बार जो विन भी की है वो फ्रेंड्स इस वाले कॉम्बिनेशन से भी की है ठीक है आप लोग इस चीज को मत भूलिए तो यहां पर सिंपली अगर बॉलिंग वाला कॉम्बिनेशन चलता बॉलिंग प्लेयर हमारा चलता है तो ये वाली जो हमारी टीम है ना फ्रेंड्स वो ग्रेनिक को हिट करके ग्रैंडिक को क्रैक करके लाएगी ठीक है इसमें आप लोग चाहो एक दो कॉम्बिनेशन और बनाना तो डेफिनेटली आप लोग ट्राई कर सकते हो बैट्समैन आपको ऐसे रखने कि जो हर एक कंडीशन में कुछ ना कुछ परफॉर्म करके आपको देते ही देते होंगे जैसे कि ये तीन बैट्समैन ने आपको बताया कि अगर सिचुएशन कैसे भी हो ये तीनों के तीनों ऐसे बैट्समैन है आपको कुछ ना कुछ परफॉर्म करके देंगे विकेट कीपर भी ऋषभ पंत ऐसे हैं कि तो फ्रेंड्स लास्ट में आके भी कुछ ना कुछ आपको अच्छा हिटिंग करके दे सकते हैं और विकेट कीपिंग से भी आपको अच्छे खासे पॉइंट ला दे सकते हैं ठीक है तो जो ये पांच टीमों का लॉजिक था पांच टीमों का जो मेरा कॉल कैलकुलेशन था फ्रेंड्स आपको पसंद में आया होगा अगर कोई डाउट रहेगा ना तो कमेंट सेक्शन में पूछना आप लोग मत भूलना पहली बार चैनल पर आया चैनल को सब्सक्राइब करना और अब जाके वीडियो पसंद आया हो ना तो वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर से कर देना ठीक है तो मैं मिलूंगा फ्रेंड्स आप लोगों से अगली वीडियो में तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों को इस मैच का बहुत सारा गुड लक